वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप अप ईयर के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी विश कह लें या जिनकी लिमिटेड एक रिसर्च होती है और वो अपनी जो है ना 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद टॉप अप ईयर लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एलिजिबल नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो वीडियो में हम आगे जाके बात करेंगे। हम टॉप अप, बहुत से बच्चे उनको ये क्लियर नहीं होता कि टॉप अप आइदर कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, इसके बाद PSW मिलेगा, कैस कौन सा इशू होगा। तो हम इन सब पर्सपेक्टिव पे आज बात करेंगे। आई एम अमाइमा इफ्तिखार, स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड अलॉन्ग विद मी मिस्टर अजीम कासिम हु इज़ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, एक्चुअली टॉप अप ईयर है क्या? देखिए मायमा, वैसे तो टॉपिक बड़ा अच्छा है आज की वीडियो का, टॉप अप ईयर है क्या। जैसे आपने कभी सुना हो मोबाइल के अंदर टॉप अप करते हैं हम लोग पाकिस्तान के अंदर, तो बेसिकली जो अगर हम यूके का जो ये स्ट्रक्चर है पूरा एजुकेशन सिस्टम, इसको हम स्टडी करें तो ये लेवल्स में डिवाइड हुआ है। लेवल से मुराद ये है कि लेवल वन, लेवल टू, जैसे हमारे यहाँ पर मैट्रिक, इंटर और उसके बाद 2 ईयर्स बैचलर, जिसको अब HEC एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बोलती है, और जो हमारा यहाँ पे 4 ईयर्स का ऑनर्स डिग्री है उसको हम बैचलर्स बोलते हैं। उसी तरह यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है और उसके एंट्री पॉइंट्स भी काफ़ी हैं। जैसे ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, उसके बाद फिर आपका HND है, उसके बाद फिर आपका HNC है, और इसी तरह टॉप अप ईयर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया यूके के अंदर। टॉप अप ईयर बेसिकली आपकी जो डेफिशिएंसी है बैचलर्स की वो फुलफ़िल करता है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अपने हाई स्कूल के बाद, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद या आप कह रहे हैं ए लेवल्स के बाद, जो फुल फ्लेज ऑनर्स डिग्री है 4 ईयर्स की वो नहीं करते। जैसे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलें या बैचलर्स ऑफ बिजनेस बोलें, टाइम की वजह से कह लें आप या कॉस्ट की वजह से आप कह लें, तो वो डाइवर्ट होते हैं। हमारा जो पाकिस्तान का 2 साल का BCOM है, BA है, या फिर क्या नाम उसका HND पाकिस्तान में बड़ा फेमस है आजकल, क्या नाम उसका ADP के काफ़ी ज़्यादा ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, तो ये काफ़ी बच्चे इस रूट को जो है ना वो ऑप्ट कर लेते हैं, और इवेंचुअली जब वो कंप्लीट करते हैं तो दे एंडेड अप विद अ डिग्री दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू योर बैचलर्स डिग्री। तो आप एक डेफिशिएंसी मीटअप कर रहे होते हैं, चूँकि आपको उसके ऊपर आपकी वो जो 2 साल का BA है, BCOM है, या आपका HND है, वट एवर यू हैव डन, उसके ऊपर आपको मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि मास्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है इवन अब पाकिस्तान के अंदर भी वो हो गई है, क्या नाम उसका, हाई डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू लेवल 6 जो यूके की रिक्वायरमेंट है, 16 साल की एजुकेशन हो। तो उस डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए टॉप अप ईयर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब तो खैर पाकिस्तान में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमारा बीकन हाउस है, रूट्स है, TMUC है, ये ऑफर कर रही हैं, HND भी कर रही हैं, टॉप अप भी कर रही हैं, और मेरे ख्याल से बेस्ट है आप HND अगर यहाँ से करते हैं तो टॉप अप आप UK से कर लें। हाँ बिल्कुल, कॉस्ट भी बच रही है, कॉस्ट भी बच जाती है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। देखिए यूके का मैं इसलिए तारीफ करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो भी अपना एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हुए। वो रिजल्ट नहीं है एक मामले के अंदर कि भाई ये हमारा एंट्री पॉइंट्स है ऐसे ही आना है आपने, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स दिए हुए ताकि आप क्या नाम उसका अपनी जो एजुकेशन है उसको आप कंप्लीट कर सकें, आप किसी भी रूट से आ रहे हैं। तो टॉप अप ईयर जो है वो आपका बेसिकली इस चीज़ को मीटअप करता है, और आप उसको HND के बाद और आपने BA के बाद, BCOM के बाद, या जो भी आपकी क्या नाम उसका क्वालिफिकेशन है जो कि लेवल 5 की इक्विवेलेंट हो, उसके बाद आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि आपने कहा कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद हम टॉप अप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉप अप क्योंकि एक आपको स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट का मिलना होता है, लेट से आपने टॉप अप ले लिया कंप्यूटर साइंसेज का, लेट से आपने बिजनेस का ले लिया, मीडिया साइंसेज का ले लिया, वट सो एवर किसी भी सब्जेक्ट में ले लिया, क्या BA वाला या इररेलीवेंट सब्जेक्ट वाला एलिजिबल होता है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। देखें पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को हमने मेक श्योर करना है कि टॉप अप ईयर जो है ना वो पाकिस्तान के BCOM BA को देख के डिज़ाइन नहीं किया गया, ये डिज़ाइन किया गया था HND को मद्देनजर रखते हुए, जो कि हाई नेशनल डिप्लोमा जो कि UK की बॉडी ऑफर करती है, लेकिन क्या नाम उसका BA BCOM
जो हमारे पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है उसको भी हम इसके अंदर किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपने कोर्स स्टडी कौन सा किया हुआ है प्रीवियसली, जो आपका क्या नाम उसका आपने बीए में बीकॉम में क्या पढ़ा हुआ है। जैसे हमारे आजकल यहाँ पर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसमें तो एडीपी है, उसके अंदर तो आपने 4 semesters पूरे पढ़ते हैं अपने, और उसमें आप तकरीबन 16 to 20 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। ये जो एडीपीज़ हैं ये तो सम हाउ टॉप ऑफ ईयर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा बीकॉम है और जो हमारा बीए है सिंपल, जिसमें आपने लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, वो आपके टॉप अप की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं करते। कुछ यूनिवर्सिटीज बीकॉम पे भी दे देती है, कुछ दे देती है। फिर अगर ये आ जाता है ना, अगर आप बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का टॉप अप ले रहे हैं तब नहीं, ये डिपेंड करता है फिर आपका केस टू केस और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यूके के अंदर, उनकी जारी बात है आगे एडमिशन बॉडीज हैं, उनके आगे कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स हैं, फिर डिपेंड करते हैं उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, और फिर कुछ बच्चों के डिपेंड करता है कोर्सेज उसने कौन से पढ़े हैं, बीकॉम में कौन सा कोर्स पढ़ा, ग्रेड्स क्या हैं उसके, और बीए में क्या ग्रेड्स हैं। बीए में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टॉप ऑफ ईयर देगा आपको। बीकॉम पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर देती हैं, इसी तरह जो आपका एडीपी है क्या नाम उसका एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी काफी ऑप्शन मिल जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो एडीपी है उसकी काफी वैरायटी अवेलेबल है, पॉपुलैरिटी काफी हो गई है, अकाउंट्स में ऑफर हो रहा है, साइकोलॉजी में ऑफर हो रहा है, बिजनेस में ऑफर हो रहा है, तो इसके ऊपर आपको यूजली टॉप अप ईयर मिल जाता है। बट क्या नाम उसका वो भी केस टू केस बेसिस के, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट जो आपका एचएनडी है वो तो आपका आप समझ लें कि 100%, क्योंकि उसको देख के ही जो है ना आपका टॉप अप ईयर डिफाइन किया गया था, तो उसके बाद तो 100% आपको टॉप अप ईयर मिलना ही मिलना है एचएनडी के बाद। और फिर ऑब्वियसली आपके जो ग्रेड्स हैं वो तो डिपेंड करते हैं कि आपको क्या नाम उसका डिस्टिंक्शन मिली हुई है या सिंपल पास है, उसके ऊपर फिर वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको देगी कौन सी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी। सर व्हाट इज द कॉस्ट जो हम एक एक्सपेक्ट करें कि आ सकती है आपके ड्यूरिंग टॉप अप में, और कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो टॉप अप ऑफर कर रही हैं, और अगर हम एडीपी और एचएनडी को सामने रखें तो इस हिसाब से सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी रहती है स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने के लिए? देखें टॉप अप ईयर जो है ना वो आपको ज़्यादातर जो है ना 99% वो देखने को मिलेगा यूके के अंदर, और जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बियर एक्सपेंस ऑफ ओनली 1 year, जो कि टॉप अप ईयर जो है ना 1 year का होता है, बल्कि यूजली 1 year से कम ही होता है, 10 से 11 माह का, तो एकेडमिक ईयर 1 ही बनता है इसलिए हम उसको 1 year का बोलते हैं। और अगर हम कॉस्ट देखें तो आप तकरीबन कह लें कि 10,000 यानी कि 11,000 pounds से स्टार्ट हो जाता है, और इट गोज अप टू 16,000 or 17,000 pounds डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू हैव चूजन। किसी यूनिवर्सिटी की 11 है, किसी की 10,000 है, किसी की 12 है, ऑब्वियसली यू हैव टू पे इनिशियल डिपॉजिट फ्रॉम पाकिस्तान, 4,000 से 5,000, 3,000 आपने पाकिस्तान से पे करना होता है। बट ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में या स्वीडन में आपको टॉप अप ईयर की ऑप्शन जल्दी नहीं मिलती, वो क्या करते हैं कि वो आपको बैचलर्स की डिग्री में ही एंट्री दे देते हैं, और डिपेंड करता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एग्जामेशन दे देती हैं ईयर वन की, कुछ आपको एग्जामेशन नहीं भी देती, तो आप क्या नाम उसका बैचलर डिग्री में इनरोल्ड हो जाते हो। अगर आप अपना टाइम और कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है ना वो बेस्ट सूटेबल जो है वो आपके लिए यूके है, जो आपको टॉप अप ईयर में एंट्री देता है और आप एक साल के अंदर जो है ना अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आपको फर्स्ट हायर डिग्री मिल जाती है। सर व्हाट आर द इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, लाइक हमने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की तो बहुत डिटेल में बात कर दी, क्या अगर आपने एचएनडी की होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आपकी मतलब नॉन पाकिस्तानी डिग्री है, डिग्री तो नहीं कह सकते डिप्लोमा है, क्योंकि एक सर्टिफिकेशन है, आपके एक परसेप्शन है ना कि अगर हमने नॉन पाकिस्तानी डिग्री की होगी कुछ कंट्रीज में आपको उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है, क्या एचएनडी पे आपको आइट्स की एग्जेम्पशन मिलती है, क्या एडीपी पे आपको आइट्स करना पड़ता है, इज देयर एनी ऑप्शन जो हमें विदाउट आइट्स मिल सकता है, आइट्स ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब है, इसको भी हम उसी क्लैरिटी से अगर डिस्कस करें। देखिए पहली बात तो ये है कि एचएनडी के ऊपर और एडीपी के ऊपर जो है ना आइट्स की एग्जेम्पशन नहीं मिलती किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। आपको आपको जो आइट्स की एग्जेम्पशन है वो मिल सकती है या तो आपकी ओ लेवल्स की बेस के ऊपर, अगर आपने उसमें इंग्लिश में आपका सी या सी प्लस ग्रेड है, वो भी खैर अब काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है ना उसको अब मैंने नोटिस किया है कि उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही, वो कह रही है कि हम जो पाकिस्तान बेस्ड ओ लेवल्स है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं और तमाम की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हम जो ओ लेवल्स है उसका हम इंग्लिश एज अ सी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, बट
देर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज स्टिल इसको एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपने ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स और फिर आपने HND किया है तो यस यू हैव चांसेस टू गेट IELTS एग्जेम्पशन, बट ऑब्वियसली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपने IELTS करना भी हो तो 6 बैंड रिक्वायर ना, हाँ ये बात जरूर है कि आपका टाइम बच जाता है। और जहाँ तक बात है ADP की तो उसकी बेस पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती, बट अगर आपने इंटरमीडिएट में ADP से पहले अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, अपना इंग्लिश वहाँ पढ़ी हुई है, उसमें अगर आपके 140 यानी कि 70% मार्क्स हैं तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो IELTS एग्जेम्पशन दे देती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट। जहाँ तक IELTS अल्टरनेट की बात है तो अगर हम विदाउट IELTS की बात करें कि लेट्स सपोज अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाना है और वो IELTS रिक्वायर्ड कर रही है और आपके पास IELTS नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव टेस्ट अवेलेबल होगा, लैंग्वेज सर्ट होगा या OITC होगा, ड्यूलिंगो होगा, डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट उसने अप्रूव किया हुआ है। अगर हम ये कहें कि IELTS के बगैर आपका हो जाएगा तो इट डजंट मीन कि आपको टेस्ट नहीं कुछ चाहिए, कोई स्ट्रेट अवे कोई ऑप्शन है कि बस आप, ऐसा नहीं कि आप सिंपल MOI के ऊपर का नाम उसका ले लेंगे। MOI जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए 16 साल की एजुकेशन चाहिए, फिर उसकी काफ़ी आगे रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, बट इन द केस ऑफ टॉप अप ईयर यू हैव टू प्रोवाइड IELTS और अ सी ग्रेड इन योर ओ लेवल्स और 70% इन द इंग्लिश ऑफ योर हाई स्कूल अगर आपने इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हैं। और इसके साथ साथ डिपेंड करता है आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है, उसमें आपको अल्टरनेटिव टेस्ट मिल जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका सी ग्रेड नहीं है ओ लेवल्स के अंदर या आपका ओ लेवल्स बैकग्राउंड नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट की बजाय स्ट्रेट IELTS की तरफ जाएं, UKV IELTS की तरफ। उसमें यह है कि आपको ऑप्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट को। एग्जैक्टली सर, जो इस एक मेन क्वेश्चन है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा फेस करता है, मेरे ख्याल से मेरे साथ सब स्टूडेंट्स को भी करता होगा, कि क्या ये इसके बाद हमें डिग्री मिलेगी और PSW मिलेगा कि नहीं मिलेगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द होल वीडियो। अच्छा, जो टॉप अप ईयर है ना बेसिकली है तो ये डिग्री ही है, सही है, बट क्या नाम उसका, चूंकि ये एक साल का कह लें कि आपका टेन्योर है और ये आपका जो डेफिशिएंसी है क्या नाम उसका प्रीवियस जो क्या नाम उसका आपकी जो लेवल की डेफिशिएंसी उसको मीटअप करता है, तो आपका जो HND है और जो आपका टॉप अप ईयर है ये मिलके आपका जो है ना वो डिग्री बनेगी बैचलर्स की, लेवल सिक्स की बनेगी, सही है। ऑब्वियसली डिग्री तो है ये, बट अगर आप इसको स्टैंड लॉन देखेंगे विदाउट योर क्या नाम उसका HND और BCom तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो तब भी बेनिफिशियल है जब आपके पास पीछे डिग्री होगी और दोनों मिलके आपकी बैचलर्स की डिग्री ये बनेंगे। अच्छा, अब जहाँ तक बात है आपकी क्या नाम उसका और उसके बाद अगर आपके पास आप आके इक्विवेलेंसी भी ले सकते हैं, HSC से भी इक्विवेलेंसी ले सकते हैं और प्लस UK में तो आपको इक्विवेलेंसी की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी UK NAERIC से अप्रूव्ड है, तो आप लेवल सिक्स के लिए लेवल सिक्स इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने HND के बाद टॉप अप ईयर किया तो आप वहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले सकते या मास्टर्स के बाद आप PhD में एडमिशन नहीं ले सकते। डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन इन द HND टॉप अप ईयर एंड सब्सिक्वेंटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल। जहाँ तक PSW की बात है तो अगर आप जो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट की जो गाइडलाइंस अपलोड हुई हुई हैं क्या नाम उसका UKVA की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने दो रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं। नंबर वन रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो स्टडी है क्या नाम उसका जो आप करने जा रहे हैं दैट शुड बी एटलीस्ट 12 मंथ्स, सही है। सेकेंड उसी लाइन में वो लिखते हैं कि आइदर वो 12 मंथ्स की हो या फिर कोई भी ऐसी डिग्री जो क्या नाम उसका आपने वहाँ पर कम्प्लीट की है वो लेसर देन 12 मंथ्स भी अगर है तो भी आप क्या नाम उसका PSW के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगले पैराग्राफ में वो क्या नाम उसका अगर UKVA की साइट देखें तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि यू शुड हैव UK बैचलर्स डिग्री और अ UK मास्टर्स डिग्री जिसके ऊपर आपको PSW मिल सकता है लेवल सिक्स की। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन UKVA ने भी क्रिएट की हुई है इस मामले में कि टॉप ऑफ ईयर के ऊपर जो है ना वो क्या नाम उसका PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम उनकी दोनों स्टेटमेंट्स देखें तो आपस में वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। पहली स्टेटमेंट में ये साफ लिखा हुआ है कि या तो आपकी स्टेट जो है वो क्या नाम उसका 12 महीने की स्टडी हो या फिर 12 महीने से कम की भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 12 महीने की कम से भी एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आपने कोर्स वहाँ पे कम्प्लीट कर लिया, लेकिन 6 या 7 की डिग्री हो तभी। फिर नीचे लिखा हुआ है कि डिग्री जो है ना आपकी बैचलर या UK मास्टर्स की होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं जब ट्रेनिंग हुई थी कहते हैं यूनिवर्सिटी की, मुझे याद है मैंने उनसे क्वेश्चन भी ये किया था कि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है UKVA की तरफ से, तो उन्होंने भी मुझे याद है मुझे उसने कहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी ये नया ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट ओपन हुआ है
तो क्लैरिटीज जो है ना वो आ जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बहरहाल इसमें मैं अभी कोई अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि क्या नाम उसका, आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एज पर यूके वी गाइडलाइंस यू आर एलिजिबल। बट इन कंक्लूजन अगर हमारे पास लेवल 6 की डिग्री लेवल 7 की मिल जाती है तो ऑब्वियसली हम क्लेम कर ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीएसडब्ल्यू। और डेफिनेटली अगर आपने क्या नाम उसका वहां पे टॉप अप ईयर किया है तो ऑब्वियसली आप वहां मास्टर्स तो करेंगे ही यूके के अंदर, तो मास्टर्स के बाद तो वैसे ही आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाना है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने टॉप अप ईयर को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक क्लियर होगी हो। मेरे साथ बाकी काउंसलर्स को भी बहुत इंक्वायरीज आती हैं जो एलिजिबल नहीं हो रहे होते, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको बेबी क्वेश्चंस का आंसर्स दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।